हेलो फ्रेंड सब ठीक बोलो। हेलो फ्रेंड सब ठीक, अपना ख्याल रखो। रुको, हेलो फ्रेंड्स सब ठीक, अपना अपना ख्याल रखो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो गौरी अपने नाना से कैसे बोल रही। नाना बोलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? पापा के सामने कैमरा लेके लगा दिया। पापा बोल रहे क्या है, तो बच्चे हैं ना, तो बोलती मम्मी मैं नाना से बोलती हूँ, नाना इसमें हाय करेंगे। तो वो मस्ती कर रहे थे गौरी से, और गौरी कैमरा लगा के अपने नाना के सामने खड़ी हुई थी। और यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे ट्यूशन। ये मेरे दोनों भतीजे हैं जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं। घर पे ही ट्यूशन टीचर आते हैं तो वही पढ़ाते हैं, बाहर भेजते नहीं हैं। बाहर पहले भेजते थे, अभी बंद कर दिया, अभी घर पे ही बुलाते हैं। और मेरे दो भतीजे हैं, भतीजियाँ मेरे नहीं हैं। और मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मैं चल रही अपने ससुराल। क्योंकि बहुत दो चार दिन हो गए, हाँ बहुत दिन तो नहीं बोलूँगी, दो चार ही दिन हुए हैं मुझे, चार पाँच दिन हो गए हैं। और अब चल रही है मेरे ससुराल की पैकिंग। तो बस कपड़े वपड़े सब समेट के रख दूँगी, कपड़े बाद में लगाऊँगी, पहले सब समेट के रख दूँगी। और अब आगे आप लोगों को यहाँ के ब्लॉग पता नहीं कब मिलेंगे, एक साल बाद मिलें या दो साल बाद मिलें, कुछ भी पता नहीं, वो तो वक्त बताएगा। और यहाँ से जा रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ, तो अजीब सी एक बेचैनी हो रही है और अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो गया है। शायद हर लड़की को अपने मायके से जाने में ऐसी ही फीलिंग आती होगी। और ज़्यादा कपड़े तो फैले भी नहीं, क्योंकि मैंने निकाले ही नहीं है, सब सूटकेस में ही रखे हैं। जितने पहने उतने ही निकाले, क्योंकि मुझे पता था मैं चार दिन के अंदर चली जाऊँगी, चार पाँच दिन में, तो ज़्यादा फैला के भी कोई मतलब नहीं था। और जब पहले आती थी ना वेकेशन की छुट्टियाँ होती थी गर्मियों की, तब एक एक डेढ़ महीने के लिए आती थी, तब पैकिंग करना भारी हो जाता था, क्योंकि ज़्यादा दिन रहने से तो कपड़े भी पूरे घर में ही फैल जाते हैं, कितना भी समेटो थोड़ा बहुत तो इधर का उधर हो ही जाता है। तो और दूसरी बात, टेंशन नहीं होती है। मायके से जाती हूँ ना, तो मुझे पैकिंग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। जब भी जाती हूँ, सब चीज़ मेरी मम्मी बहुत ही संभाल के रखती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं रखती है। जब जाऊँगी तो बोलेंगी बेटा तुम्हारा ये रह गया, बेटा तुम्हारा वो रह गया। और अक्सर मैंने नोट किया है, मायके की पैकिंग करो या कहीं भी पैकिंग करो ना, एक आध सामान तो छूटना ही है। अक्सर नोट किया है मैंने, और शायद ही आप लोगों ने भी नोट किया होगा, पैकिंग में एक आध सामान छूट ही जाता है, छोटा बड़ा कुछ भी छूट जाएगा, लेकिन छूटना है, मेरा तो अक्सर छूटता है। और जब ससुराल से जाऊंगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रह जाएगा, ये रह गया, वो लाना था, ये रह गया, ये अक्सर होता है। यहाँ से जाएंगे तो इधर से कुछ मिसिंग लगता है, वहाँ से आएंगे तो वहाँ से कुछ मिसिंग लगता है, ये अक्सर होता है, शायद सब लोगों के साथ ही होता होगा। तो मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, और अभी चाय आ गई है तो चाय मैंने साइड में रख दी है, बाद में पीऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ, ना ठंडी पीती हूँ, नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय पी लूँ ना तो मेरी ना जीभ जल जाती है और फिर बाद में उसमें छाले पड़ जाते हैं जीभ में अक्सर, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ। तो चलो कपड़ों को कर लेती हूँ फोल्ड, फिर बाद में पीती हूँ चाय। और अभी है दोपहर का टाइम, मैं खा रही हूँ खाना। खाने में बनी हुई है आलू की कचौड़ी और चटनी, और आलू की कचौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, दाल की कचौड़ी मुझे थोड़ी कम पसंद है। और अभी शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ बालों में कंघी, फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम बाल बनाना, मुंह धोना, फ्रेश होके बैठने से थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी वाली फीलिंग आती है। और ऐसे ही अगर बैठे रहो ना, बाल में कंघी नहीं लगाओ, मुंह नहीं धो, ऐसे ऐसे सुस्ती से बैठे रहो ना, तो खुद तो सुस्ती लगती है और सामने वालों को भी सुस्ती सा लगता है, इसलिए हमेशा फ्रेश होके रहो तो अच्छी वाली फीलिंग आती है।
और इधर मैं खा रही हूँ इडली, क्योंकि बच्चों ने मामी से बोला था कल कि मामी खाना तो बहुत खा लिया मेरा, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ, लेकिन अभी मुझे आपके हाथों की खानी है इडली। तो बस भाभी ने इडली बना के रख दी है बच्चों के लिए, सांभर बनाया है और चटनी बनाई है, बच्चों को बहुत पसंद है तो मामी ने बना के तैयार कर दिया। हमारे एरिया का बहुत ही फेमस बहुत ही अच्छा मंदिर बजरंग बली का मंदिर है। यहाँ बजरंग बली है, शनि देव है, सब भगवान का मंदिर है, देवी दुर्गा भी है, मतलब हर देवी देवता हर भगवान यहाँ इस मंदिर में मिलेंगे। ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जो इस मंदिर में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छा मंदिर है और ये मेरे घर के बहुत ही पास है, तो हम लोग बस ऐसी थोड़ी देर के लिए आ गए इनके साथ, ये बोले चलो जाके आते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग आते हैं तो ये मंदिर में ज़रूर जाते हैं। और जब हमारे यहाँ किसी की शादी होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो खाना वगैरह बनता है ना शादी पार्टी के लिए, तो जो सबसे पहली थाली होती है वो सबसे पहले इस मंदिर में आती है, और जो शादी के कार्ड होते हैं वो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आता है। और जो बेटे की शादी में रस्म होती है कुआ की, कुआ बिहाने की मम्मी जो कुआ में पैर डाल के बैठती है ना, और जब निक्रोसी होती है उसी टाइम पे, तो ये रस्म भी मेरे भैया की शादी में यहीं पे हुई थी। हम सब लोग घर से पैदल आए थे बैंड बाजों के साथ डांस करते हुए, यहीं पे निक्रोसी हुई थी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि इस मंदिर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी यादें जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे वो सब पल याद आते हैं। और जब साल का बड़ा वाला मंगल आता था तो यहाँ पे मेला लगता था, और आज भी लगता है मेला, लेकिन हम उस मेला को इंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इतनी दूर जो चले गए हैं। जय मृत्युंजय जय पिपनाकी जय जय गंगाधारी जय जय गंगा। मैं आई हूँ, मजार आई हूँ, मजार पीर बुखारी मजार आई हूँ, मैं बहुत मानती हूँ उनको बचपन से। मंदिर पे दर्शन करने के बाद मैंने इनसे बोला थोड़ा आगे चलो, यहाँ पे एक मज़ार है वहाँ भी जाना है। इनको मैं लेके आई थी अगली बार, जे भी जब आते हैं तो आते हैं मेरे साथ, कभी कभी मैं अकेले आ जाती हूँ अपनी सहेलियों के साथ या मम्मी के साथ या भाभी के साथ, लेकिन जब भी मायके आती हूँ तो मैं यहाँ भी आती हूँ, भले भी 10-5 मिनट के लिए आऊँ, लेकिन मुझे यहाँ भी आना अच्छा लगता है। यहाँ काठी बनती है मानियो पटाने लगे यार। प्रसाद बांट दो बेटा। गौरी ये प्रसाद ले जाओ, बांट दो, नीचे आओ, नहीं तो तुम यही बना दे। मशरूम बना रहे हो? बना दो मशरूम। मशरूम तुमको अच्छा लगता है? क्या बोल रही हो? सांभर कैसा लगा? मैंने सब पूछ रही हूँ, सांभर बहुत अच्छा बना था, इडली भी बहुत अच्छी बनी थी। झूठी तारीफ नहीं कर रहे यार, सच्ची तारीफ कर रहे हैं। और इधर मम्मी इनको दे रही है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा खाने से बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत ही अच्छा फायदेमंद भी करता है, तो वही मम्मी इनको दे रही थी। और इसे खाने से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं, इसे अटैक आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं इससे। और अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो भी खा सकते हैं, कॉमन है ये, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और ये सबसे ज़्यादा सस्ता अगर मिलता है ना तो पंजाब में मिलता है, पंजाब में ये बहुत सस्ता मिलता है, वैसे तो ये बहुत महंगा आता है। और इसे खाने से ना नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। और जो कपड़े मैंने सुबह फोल्ड करके रखे थे उन कपड़ों को लगा दूंगी सूटकेस में, पूरा काम समेट लूंगी जितना मेरा है, जो भी मैं सामान लेके आई हूँ मार्केट से, और मायके आती हूँ तो कुछ ना कुछ तो खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ मुंबई की अच्छी नहीं लगती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहीं से लेके जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वहाँ पे। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अगले ब्लॉग में कभी भी दिखा दूंगी कि मैं मायके से क्या क्या लेके आई हूँ। और अभी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को अगले ब्लॉग में जल्द ही मिलूंगी, और वो ब्लॉग होगा मेरे मायके का लास्ट ब्लॉग और विदाई का। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।